ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मुंबई में औसतन हर 72 मिनट पर हार्ट अटैक के कारण एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल से संबंधित बीमारी का पैंडेमिक शुरू हो चुका है। यदि समय रहते लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में बीमारी से ग्रसित होने वाले और मौत की संख्या और भी अधिक हो सकती है। यह आशंका डॉक्टरों ने जताई है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2018 से लेकर 2022 तक 2021 को छोड़कर कुल 29,553 लोगों की शहर में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बीते 4 सालों में हर 72 मिनट में एक व्यक्ति की मौत का कारण हार्ट अटैक रहा है। कोविड संकट के बाद से हार्ट अटैक के आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है, जो विशेषज्ञों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। मुंबईकरों में जिस गति से गैर संचारी रोग जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी फेल होने और कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है, यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। नायर अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौरसिया ने बताया कि हम हृदय की बीमारी के पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। समय रहते यदि हमने अपनी जीवन शैली में सुधार नहीं किया तो हृदय रोगी और उससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ सकती है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे हिसाब से 25 की उम्र के बाद से ही एक बार व्यक्ति को अपने लिपिड प्रोफाइल ECG 2D इको करा लेना चाहिए। यदि इस जांच में कोई अनियमितता आती है तो समय पर आगे की जाँच और इलाज हो सके। हमने नायर अस्पताल में ही देखा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD OPD में मरीज के साथ आने वाले उनके घर वालों में से 25% लोगों को डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या डिटेक्ट हुई है। इन लोगों को यह पता ही नहीं था कि उन्हें उक्त समस्या है। जानकारी कम होने के कारण या फिर हेल्थ को तवज्जो नहीं देने के कारण यह मरीज आगे चलकर हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल पहुंचे हैं। सायन अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत मिश्र ने बताया कि सुस्त जीवन शैली और स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। समय रहते लोगों ने अपनी जीवन शैली में सुधार नहीं किया तो दिक्कत बढ़ सकती है। हार्ट अटैक के लिए कोविड वैक्सीन को दोष देना जल्दबाजी होगी। इसके लिए बड़े स्तर पर अध्ययन करने की जरूरत है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।